महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बोरीवली स्थित नेशनल पार्क में विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन, जिसमें टैक्सीडर्मी सेंटर, प्राणियों हेतु हॉस्पिटल, कैंट ओरिएंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा 8 रेस्क्यू एम्बुलेंस वन विभाग को प्रदान की गई है। साथ ही 40 मोटरसाइकिल वन कर्मचारियों को गश्त के लिए दी गई है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व संचालक इरिक सोलेम, सांसद गोपाल शेट्टी, प्रवीण दरेकर, अभिनेत्री रवीना टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहा सुधीर मुनगंटीवार ने इस विशेष अभियोजन पर, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सम नेशनल, मुंबई। पार्क में आज आपकी विजिट है, क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरह का नेशनल पार्क को उठाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर रेस्क्यू के लिए कुछ गाड़ियाँ ये दी जा रही है मैंग्रोव फाउंडेशन के माध्यम से। यहाँ पर जो काम करते हैं, वन्य प्राणियों की सेवा करते हैं, वनों का संरक्षण संवर्धन करते हैं, ऐसी 40 हीरो होंडा भी दी गई है। उसके साथ में ही एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जो हॉस्पिटल पूरी तरह से सारे इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे जो प्राणी बीमार होता है, एक्सीडेंट होने के बाद उसके शरीर के कोई भाग का नुकसान होता है, और उसके साथ ही अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये बच्चों के और बुजुर्गों के एजुकेशन के लिए इसका भी शुभारंभ अभी हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क को, जो एक अर्बन पार्क है, MMRDA में जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन को ये विविध माध्यमों से सेवा देता है, इसका एक नियोजन किया जा रहा है, जो पर्यावरण के रक्षा का भी काम करेगा, पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान भी देगा। मगर इसके साथ ही ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी, बच्चा पर्यावरण का महत्व लेकर अपने जीवन में पर्यावरण के माध्यम से अपने जीवन में कुछ योगदान दे पाए, और उस दृष्टिकोण से भी यहाँ कुछ नियोजन करने का निर्णय किया। 77 रुपया लोग देते हैं लेकिन अंदर उन्हें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, और ऐसे में जो मिनी ट्रेन है वो काफ़ी लंबे समय से बंद है, अगर वह शुरू की जाती है तो काफ़ी अच्छा आकर्षण हो सकता है। मिनी ट्रेन बहुत पुरानी थी, अभी मिनी ट्रेन के बारे में हमने प्रस्ताव देने के लिए कहा है। मिनी ट्रेन नई बनाने के लिए करीब करीब 25 से 30 करोड़ का खर्च आएगा, मगर उस दृष्टिकोण से एक मीटिंग लेकर मैं खुद फिर से आने वाला हूँ, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के कारपोरेटर सबके साथ मीटिंग करके, आखिर ये अकेले एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सब की मिल के जिम्मेदारी है। हम इस संजय गांधी नेशनल पार्क से ऑक्सीजन तो लेते हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, अमृत लेते हैं और जहर देने का काम करते हैं, और इसलिए सबको साथ लेके ये एक लोक आंदोलन के रूप में, चाहे वो ट्रेन हो, यहाँ की स्वच्छता गृह की बात हो, यहाँ पे कुछ रास्ते बहुत ही ख़राब हुए हैं, कोई फेंसिंग ख़राब हुई है, बैठने के बेंचेस अच्छे नहीं है, तो ये सारों का आकलन करके एक अच्छा नियोजन करके यहाँ जो भी आएगा वो विश्व का सबसे अनमोल खजाना, महंगी कॉस्मेटिक, चेहरे की हंसी लेके जाएगा।